मोठ की चाट के लिए टमाटर हम काट लेंगे। और मोठ की चाट के लिए आलू को काट लेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं मोठ और चने की चाट। ये हमारे बॉईल किए हुए चने, सोयाबीन और मोठ ये हम इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ ये हमारी मोठ, सोयाबीन, चने आ चुके हैं बॉईल किए हुए। अब इसमें मिलाएंगे हम आलू, ये हमने काट लिए थे, और टमाटर। अब आलू टमाटर को डालकर अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लेंगे, इनको ऊपर नीचे कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, तो जैसा कि हम सफ़ेद नमक डालेंगे थोड़ा, और थोड़ा डालेंगे काला नमक, जिससे कि वो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा चाट का मसाला। चाट का मसाला डालने के बाद इसमें हल्का सा एक और चाट का मसाला आता है, वो मिक्स करेंगे। ये सलाद का ही मसाला होता है, तो हमने ये सलाद का मसाला मिक्स किया। अब इसमें नींबू ना हो आपके पास तो आप आमचूर का पाउडर मिक्स कर सकते हैं। अगर नींबू हो तो आप आमचूर का पाउडर स्किप कर सकते हैं, और नींबू नहीं हो तो आप आमचूर मिक्स कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को डालकर अच्छे से मिला लें, और अपने बच्चों को या आप जिम कर रहे हैं तो आप डेली इससे खाएं, और इससे हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। और अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हैं तो ये वेट गेन करने के लिए भी लाभकारी होता है, और अगर आप लूज़ करना चाह रहे हैं, वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये लाभकारी होता है। इसका आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारी चाट बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो आइए सर्व करेंगे हम, तब दिखाते हैं इसे किस तरह से सर्व करेंगे। यहाँ ये चाट पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व किस तरह से करेंगे, इसको एक बाउल में डाल लेंगे। जब भी किसी को हम सर्व करेंगे, बच्चों को या बड़ों को या कोई भी गेस्ट वगैरह किसी के लिए भी आप सर्व करेंगे, तो आप इस तरह से सर्व करें तो ये देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और साथ ही साथ हेल्दी भी है ये। तो यहाँ ये हमारे बाउल में आ चुका। अब ऊपर से जाएगी धनिया पत्ती, और अब जाएगी ये चटनी, हरी धनिया की चटनी बनाकर इसके ऊपर डालें, और भी ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। और ऊपर से पनीर, जिसे देखने में ये अच्छी लगेगी तो बच्चों को भी खाने में मन करेगा, और बच्चे भी और मांग मांग कर खाएंगे कि ये क्या नई चीज़ बनाई है आपने, और इसे और बनाएं और हमें और दें खाने को। तो लीजिए, ये हमारी मोठ वाली चाट फटाफट तैयार है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और आपके लिए क्या बनाना है जो आपको पसंद है। ऐसे ही आसान रेसिपी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।